नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनो काइगर का RXT ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें बताऊंगा भाई कंपनी क्या कुछ फीचर ऑफर करती है। 2024 वाला वेरिएंट है, इसमें चेंज किया है, कुछ दो चार फीचर चेंज आए हैं इसमें, वो आज आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं भाई इसकी चाबी के साथ। चाबी इसमें आपको मिल जाएगी वही जैसे पहले मिलती थी, ये दो इसमें आपको रिमोट मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे इस पे चार कंट्रोल मिलेंगे, एक है अनलॉक करने के लिए, ये लॉक करने के लिए, ये इसकी लाइट के लिए, और ये है बूट ओपन करने के लिए। दोनों सेम है की इसकी। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। फ्रंट में यहाँ पे आपको रेनो का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा क्रोम के साथ। ग्रिल के ऊपर भी क्रोम का यूज किया गया है। नीचे जो ग्रिल है ये मिलेगी मैट ब्लैक प्लास्टिक में। पूरा यहाँ पे बम्पर आपको ये ब्लैक कलर में मिलेगा, क्रोम सिर्फ यहाँ पे यूज किया गया है। और भैया इसकी लाइट LED इसमें लाइट मिल जाएगी, तीन यहाँ पे LED ये दी गई है। प्योर विजन यहाँ पे आपको इसके ऊपर ये ब्रांडिंग मिल जाएगी। फोग लैंप नहीं है। ऊपर इसमें यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर दिया गया है वो मिलेगा हेलोजन, और यहाँ पे दी गई है ये DRL। तो ये था भाई इसका फ्रंट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम है जैसे पहले मिलता था। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे भी भाई कोई चेंज नहीं आया इसमें। इसका जो अलॉय व्हील है इसका साइज बता दूँ आपको तो ये है 16 इंच, 195/60/16 टायर का ये प्रोफाइल है। आगे मिलेंगे डिस्क, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक, ब्लैक कलर की पूरी साइड में यहाँ पे क्लैडिंग मिलेगी। नहीं भाई क्लैडिंग नहीं है, यहाँ पे टेप है, ये क्लैडिंग सिर्फ ये यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक कलर में मिल जाएगा, छोटा सा एक प्लास्टिक का पार्ट। ORVM इसके यहाँ पे आपको ये बॉडी कलर मिल जाएंगे। ऊपर सिल्वर कलर की ये रूफ रेल दी गई है। जो इसके ये डोर हैंडल हैं ये भी ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें ये की होल, और भाई इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है। जैसे ही मैं इससे दूर जाऊँगा तो ये भाई लॉक हो जाएगी, जैसे मैं इसके पास आऊँगा ये दोबारा से अनलॉक हो जाएगी। ये देखो दोबारा अनलॉक हो गई। तो ये है भाई रेनो की गाड़ियों में जो सबसे मस्त फीचर लगता है मेरे को। यहाँ पे ये फ्यूल फिलर कैप दिया गया है, इसमें ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और भाई ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, तो 40 लीटर का इसमें यहाँ पे ये पेट्रोल टैंक मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये देखो भाई यहाँ पे आपको जो इसमें लाइट मिलेगी ये मिल जाएगी LED। जो इसका टर्न इंडिकेटर है ये है यहाँ पे हेलोजन, और जो ये बैक गियर के लिए लाइट है ये भी हेलोजन है। काइगर की यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, रेनो का लोगो, और लोगो के बीच में मिल जाएगा यहाँ पे रियर व्यू कैमरा। यहाँ पे वाइपर दिया गया है, डिफोगर नहीं है इसमें। यहाँ पे ये हाई स्टॉप लैंप, और ये स्पॉइलर मिलेगा भाई थोड़ा स्पोर्टी, दोनों साइड में है, सेंटर में यहाँ पे स्पॉइलर नहीं है। ये है भाई इसका रियर प्रोफाइल। नीचे यहाँ पे बात करूँ तो भाई तीन इसमें सेंसर मिल जाते हैं। ये पार्किंग सेंसर एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। और भाई इसका बूट ओपन करके दिखा दूँ आपको तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। 405 लीटर का इसमें आपको ये बूट स्पेस मिल जाएगा। और ये भाई यहाँ पे पार्सल ट्रे दी गई है। नीचे यहाँ पे सारा इसका टूल वगैरह नीचे यहाँ पे मिलेगा। बूट में भाई लैंप नहीं है इसके, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो है यहाँ नीचे। ये भाई 14 इंच का है, 165/80R14 टायर का प्रोफाइल है। नॉर्मली कार्स में आपने देखा होगा 1 इंच छोटा होता है, लेकिन भाई इसमें 2 इंच छोटा आपको ये स्पेयर व्हील मिलेगा। जो RXT ऑप्शनल वेरिएंट है इसमें यहाँ पे भाई डिफोगर नहीं है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं और इसमें चेंज क्या आया है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चेंज आपको मिलेगा इसकी जो सीट कवर है उसमें। यहाँ पे आपको लेदरेट सीट मिलेंगे, लेदरेट प्लस ये फैब्रिक का यूज़ किया गया है। बीच में यहाँ पे फैब्रिक है और ये साइड में इसमें लेदरेट दिया गया है, तो भाई देखने में अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा प्रीमियम इसका इंटीरियर अब हो गया सीट कवर की वजह से। और इसका जो डैशबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। चेंज फीचर्स में आया है, वो चेंज है एक यहाँ पे, जो इसके ये ORVM है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पे। नीचे बोतल होल्डर है, यहाँ पे स्पीकर, बाकी और भाई पूरा ये यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा ये टेक्सचर दिया गया है, पास से दिखा दो आपको तो ये इस टाइप का टेक्सचर है। ये यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक, ये ग्लोसी ब्लैक कलर में इसका डोर ओपनर। अब बात करते हैं सीट की, तो सीट भाई ये फैब्रिक इस पे चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया इसका जो कवर है उसका, और ये लेदरेट है जैसे मैंने पहले बता दिया। हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है यहाँ पे, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। अब चलते हैं भैया अंदर और यहाँ पे बात करते हैं अब इसके फीचर्स में क्या कुछ चेंज आया है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन वैसे पहले जैसा ही है, जैसे पहले होता था, यहाँ पे चेंज नहीं है कुछ खास। चेंज जो आया है वो आया भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है इसमें। ऑटोमेटिक AC है तो इसको कर देते हैं यहाँ से ऑन। ये देखो बीच में यहाँ पे ये डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पे आपको पूरा इसमें अलग अलग एनिमेशन आएंगे। जैसे जैसे इसके मोड्स चेंज करूँगा वैसे वैसे भाई यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। डिस्प्ले यहीं है, कहीं और नहीं दिखाएगा आपको। और भाई यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया है रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर का। यहाँ पे जो पीछे वाली सीट बेल्ट है उसका रिमाइंडर भी अब मिलना स्टार्ट हो गया। और दूसरा एक जो चेंज है इसमें है, एक टी ब्रेक के लिए आपको इसमें रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। तो जहाँ भी आपको मतलब जितने किलोमीटर पर टी ब्रेक चाहिए तो ये आपको याद दिला देगी कि भाई अब बहुत चल गई गाड़ी, अब आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे से इसमें चेंज थे, बाकी कीमत वगैरह में कोई चेंज नहीं आया।
वैसे फीचर बताऊं तो ये भाई इसका यहाँ पे सेम है जो म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है, चार स्पीकर का इसमें आपको ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है। इसमें भाई एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी आपको मिल जाएगा, बाकी और कोई एक्स्ट्रा फीचर तो नहीं होते भाई। नॉर्मल सा इंटरफेस होता है इसका, ये इस टाइप का। यहाँ पे आपको रेडियो, मीडिया, फोन, व्हीकल सेटिंग, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, ये इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे। ये नाइट मोड के लिए, ऊपर यहाँ पे टाइम दिखाएगा। व्हीकल में देखूँ तो यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग, ड्राइविंग इको, ये इसमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे। रियर व्यू कैमरा ऑन ऑफ करने का यहाँ पे आपको ये इसमें फीचर मिल जाता है। पार्क असिस्ट यानी कि जब चलते हुए गाड़ी में आप कैमरा ऑन करके देखोगे तो वो वाला फीचर यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ये फीचर है। ड्राइविंग इको में यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इसका जो ट्रिप वगैरह है उससे रिलेटेड पूरा यहाँ पे आपको डाटा दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन, इसमें कितने स्टार मिले हैं, गियर शिफ्टिंग में कितने स्टार हैं, एंटिसिपेशन, इसमें यहाँ पे आपको कितने स्टार हैं, ओवरऑल यहाँ पे 100 में से 77 मार्क्स टोटल इसमें मिले हैं। ट्रिप रिपोर्ट यहाँ पे ये इसमें शो कर देगा। और यहाँ पे ये इको कोचिंग, इसमें यहाँ पे वही सेम आपको मतलब इसका डिटेल बताएगा कि भाई आपने कितना टाइम कैसे गाड़ी को यूज किया है, किस टाइप से चलाया है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना ये, कि 1 घंटा 12 मिनट लगा है, 36.6 किलोमीटर टोटल यहाँ पे ये चली है। तो ये इस टाइप से इसमें डाटा पूरा ये दिखाता है। अब बैक करते हैं इसको, सेटिंग में देखूं तो यहाँ पे आपको ये भाई बेसिक सी वही सेटिंग मिल जाएगी। साउंड है, बैलेंस, लाउडनेस, वॉल्यूम, स्पीड वगैरह यहाँ पे ऑडियो सेटिंग में दिखाएगा। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको दिखा देगा ये ब्राइटनेस, नाइट मोड, एसी इन्फो, और भाई यहाँ पे डिवाइस में डिवाइस मैनेजर, ब्लूटूथ ऑप्शन, वाईफाई ऑप्शन, ट्यूटोरियल, और ये सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे जैसे क्लॉक है, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट वगैरह, ये सारी यहाँ पे आपको सेटिंग इसमें मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे ये हैजार्ड लाइट के लिए स्विच मिलेगा, मैनुअली सेंटर लॉक करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा फोन वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन दिया गया है, थोड़ा स्पेस ये यहाँ नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर भी इसमें अच्छा खासा स्पेस होता है, ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है की रखने के लिए, अलग से यहाँ पे जगह दी गई है। अगर आपकी जो ये की है इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, तो गाड़ी भाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा इसका जो आर्म रेस्ट है। रेनो कार्स में भाई स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे ग्लो बॉक्स जो वो भी बहुत बड़ा है, काफी इसमें आप सामान अलग अलग रख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ये इसमें कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, और एक ग्लो बॉक्स आपको ये ऊपर मिलेगा। तो दो स्टोरेज यहाँ पे ये मिल जाती हैं, एक यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्टोरेज ये दिया गया है, यहाँ पे भी आप काफी इसमें सामान रख सकते हैं, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट ये दिया गया है यहाँ पे। और इसमें ये मैनुअली आपको डे नाइट एडजस्ट करने के लिए मिलेगा IRVM। और भाई एक चेंज ये आया है इसमें, अब आपको LED लाइट मिलेगी। पहले ये येलो कलर का हेलोजन बल्ब होता था, लेकिन अब है ये व्हाइट कलर में ही। यहाँ पे आपको ये वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये इसका ग्रैब हैंडल, यहाँ पे दिया गया है माइक, और भाई यहाँ पे आपको टिकट होल्डर इसमें मिल जाता है, ये दिया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई इसके क्लस्टर की। यहाँ पे आपको ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, इधर ये RPM दिखाएगा, यहाँ पे ये फ्यूल शो करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है ऊपर, बीच में यहाँ पे डिजिटल आपको स्पीड दिखाएगा, छोटी सी MID दी गई है, यहाँ पे नीचे ट्रिप से रिलेटेड डाटा दिखाएगा, ऊपर यहाँ पे दिखाता है आपको ये ओडोमीटर। ये जो नोब मैं प्रेस करूंगा इससे यहाँ पे इसकी जो अलग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे अब यहाँ पे दिखा रहा है ये रेंज, अब दिखाएगा ये यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज दिखाएगा, फ्यूल यूज्ड, और ये दूसरे ट्रिप का एवरेज, और सर्विस रिमाइंडर। तो ये इसमें अलग अलग यहाँ पे चीजें दिखाता है। और भाई इसमें टायर का प्रेशर भी दिखाएगा, वो सिर्फ वार्निंग आएगी, अगर किसी टायर में प्रेशर लो हो जाएगा तो वो यहाँ पे वार्निंग लिखी आ जाएगी, वैसे अलग अलग टायर का यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं बताता इसमें। तो ये थे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स। यहाँ पे बात करूं तो इसमें ये वाइपर के लिए स्ट्रोक दिया गया है, ये है हेडलैम्प के लिए, नीचे यहाँ पे दिया गया है ये हेडलाइट लेवलर, और भाई इस साइड कंट्रोल मिलेंगे स्टेयरिंग पे म्यूजिक सिस्टम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रबड़ रैप ये इसमें स्टेयरिंग मिलेगा, पूरा ब्लैक कलर में ही है। और भाई इसमें आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 यहाँ फ्रंट में मिल जाएंगे और 2 मिलेंगे यहाँ सीट की साइड पे, यहाँ पे आपको ये बैज मिल जाएगा, 2 साइड एयरबैग मिल जाते हैं। तो ये था भाई इसका फ्रंट रो। अब सेकंड रो में चले तो वहां पे आपको बताता हूँ क्या कुछ फीचर और है इसमें। ये पीछे वाला डोर देखो भाई, पूरा ये भी ब्लैक कलर में ही है, ये इसका डोर ओपनर ये ब्लैक कलर में है, यहाँ पे भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस दिया गया है पावर विंडो के लिए कंट्रोल, और नीचे यहाँ पे बोतल होल्डर, ये यहाँ पे दिया गया है स्पीकर। सीट की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलेगी, बीच में इसमें आर्मरेस्ट भी दिया गया है, हेडरेस्ट है जो 2 है एडजस्टेबल, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, और 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी दिए गए हैं, सेम वही मटेरियल है, हाफ इसमें आपको लेदरेट मिलेगा और हाफ मिल जाएगा फैब्रिक। कंफर्ट की बात करूं तो भाई अंडर थाई स्पोर्ट यहाँ पे आपको ये ठीक ठाक मिल जाएगा, 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, सेंटर जो पार्ट है ये भी बिल्कुल फ्लैट है, तो बीच वाले बंदे को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और ये दिया गया है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, पीछे वाले एसी के वेंट, ऊपर यहाँ पे लाइट मिलेगी एक और कैबिन लाइट, यहाँ पे भाई ये इसका जो ग्रैब हैंडल है ये मिल जाएंगे दोनों तरफ, हुक वगैरह तो भाई इसमें नहीं है, बाकी जो इसमें सेंटर वाली सीट बेल्ट है ये भी भाई 3-pointer नहीं है। तो ये है भाई इसका सेकंड रो, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, ये सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी तब भी यहाँ पे भाई देखो इतना नी स्पेस मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं इसको
थोड़ा आगे कर दूंगा, हाइट एडजस्टेबल सीट है वैसे ये, अगर नॉर्मल हाइट पर भी रखूंगा तब भी यहाँ पे सीट के नीचे टांगे चली जाएंगी, तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिल जाता है। एक नॉर्मल जो हैचबैक है उससे तो भाई ज़्यादा प्रैक्टिकल कार हो जाती है जो काइगर है, क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिल जाएगा और भाई इसमें आपको एक SUV वाला फील आएगा। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ इंजन पे, यहाँ से करते हैं इसको ओपन और बात करते हैं इसके इंजन की। ये देखो इसका इंजन, इसमें आपको 1 लीटर का नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो इंजन मिलेगा, टर्बो का ऑप्शन भी मिलता है, उसके लिए आपको भाई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाई ये है जो नॉर्मल वाला, इसमें आपको 71 BHP की पावर मिलेगी और 98 Nm का टॉर्क मिल जाएगा और भाई माइलेज आराम से 20 की ये निकाल देती है हाइवे पे। सिटी की बात करूँ तो 1500 की माइलेज भाई आपको सिटी में मिल जाएगी। इसकी कीमत की बात करूँ तो 7,99,000 रुपए इसकी एक्सशोरूम कीमत है, ऑन रोड कीमत जाएगी भाई लगभग 9,14,000 के आसपास। बाकी भाई आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं वहाँ पे कितनी कीमत है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको कीमत अलग मिलेगी, हर एक शोरूम में भी हो सकता है भाई के 2-4-5 हज़ार कीमत ऊपर नीचे हो। तो ये था भाई आज का वीडियो, रेनो काइगर का RXT ऑप्शनल वेरियंट, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। 2024 में जो इसमें चेंज आए हैं वो भाई आपको कैसे लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।